सर, कोरोना काल के इस दौर में लोगों के काम धंधे पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं। ऐसे में फरीदाबाद के प्रवासी मजदूर भी काम के लिए दर दर भटक रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का मानना है कि उन्हें कोरोना से डर नहीं बल्कि भूख से डर है, क्योंकि उनके परिवार उनका जो परिवार है वो भूखा है, उनके लिए खाना खाने को नहीं है, इसलिए वो घर से बाहर काम की तलाश में निकलते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते पुलिस उन्हें डंडे मारकर वापस भगा देती है, ऐसे में उनकी जिंदगी मुश्किल हो रही है। रोटी के लिए बैठे हैं, यहाँ कुछ मिल जाए, अपना घर के बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या करें। पहले तो भी खाना मिल जाता था यहाँ पे, अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा। बताओ क्या काम करते हो सर? काम वो जो मिल जाए, बेलदारी भी कर लेते हैं, कंपनी में भी चले आते हैं, जो भी काम मिल जाए वो कर ही लेते हैं। दो रोटी के लिए करना ही पड़ता है सर, क्या करें। जे भी दो रोटी के लिए आते हैं, सब सोचते हैं मुझे काम मिल जाए, पहले मुझे मिल जाए, ये भी बात है, और कुछ नहीं। इनका रोजगार हो तो ये यहाँ काय कुड़े होंगे, बताओ। अभी मजदूरी करते हैं जी, अपने जो ये कंपनी से जी हेल्पर ही लाइन मजदूरी लाइन जी है। इतनी सारी भीड़ में खड़े हुए, कोरोना काल चल रहा है, खतरा नहीं लगता? नहीं लगता, हमें ऊपर वाले से है प्यार, हमें इंसान लोगों से है मोहब्बत। क्या मजबूरी है आपकी? जो हमारी मजबूरी यह है कि पेट के खाते, और सुबह के टाइम में आते काम के लिए तो पुलिस वाले बिना मतलब में अत्याचार करते, मारपीट,